नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज टाइम्स। देश पूरी तरह से लॉकडाउन है, सभी अपने घरों के अंदर पूरी तरह से कैद हैं। इस बीच रेलवे की तरफ से राहत भरी खबर सामने आ रही है। दरअसल भारतीय रेल 15 अप्रैल से सर्विस देने की पूरी तैयारी जोरों से कर रही है। इसके लिए रेल यात्री को एयरपोर्ट की तर्ज पर ट्रेन छूटने से 4 घंटे पहले रेलवे स्टेशन आना होगा। रेलवे स्टेशन पर यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, उसके बाद केवल आरक्षित टिकट वालों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। इस दौरान प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री नहीं होगी। रेलवे दस्तावेजों के अनुसार रेलवे सिर्फ नॉन एसी ट्रेन यानी स्लीपर श्रेणी की ही ट्रेन चलाएगा। ट्रेनों में एसी श्रेणी कोच नहीं होंगे। यात्रा से 12 घंटे पहले यात्री को अपने सेहत की जानकारी रेलवे को देना अनिवार्य होगा। कोच में यदि कोई यात्री खांसी, जुकाम, बुखार आदि कोरोना वायरस जैसे लक्षण पाए जाते हैं तो टीटीई व अन्य रनिंग स्टाफ द्वारा ऐसे यात्री को बीच रास्ते में ही ट्रेन रुकवाकर नीचे उतार दिया जाएगा और पास के ही अस्पताल में भर्ती करा दिया जाएगा। हालांकि यात्री को 100% रिफंड वापस दिया जाएगा। ट्रेन के सभी चारों दरवाजे बंद रहेंगे, जिससे गैर जरूरी व्यक्ति का प्रवेश नहीं हो सकेगा। ट्रेन पूरी तरह से नॉन एसी होगी और नॉन स्टॉप। जरूरत के मुताबिक 1 अथवा 2 स्टेशनों पर रोका जा सकता है। ट्रेन कोच की साइड बर्थ खाली रहेगी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। इसके अलावा एक केबिन में सिर्फ 2 यात्री सफर करेंगे। रेलवे अधिकारी ने बताया कि ट्रेन परिचालन संबंधी प्रोटोकॉल तैयार है। उत्तर भारत में 307 ट्रेन चलाने की योजना है। इसमें से एडवांस बुकिंग के चलते 133 ट्रेन में सीटें हाउसफुल होने के कारण लंबी वेटिंग चल रही है। वेटिंग टिकट को रद्द किया जाएगा। स्टेशन पर प्रवेश के दौरान रेल यात्रियों को मास्क व दस्ताने दिया जाएगा। इसके एवज में रेलवे यात्रियों से मामूली शुल्क लिया जाएगा। स्टेशन व ट्रेन में यात्रियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। कमोबेश रनिंग स्टाफ को भी मास्क व दस्ताने पहनने जरूरी होंगे। कोच के भीतर बाहरी वेंडर का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित होगा।